नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का अच्छी टिप्स यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सूर्यास्त के बाद कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए। दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। संध्या काल को हिंदू सनातन धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। संध्याकाल अर्थात सूर्य के उदय होने के पूर्व और अस्त होने के बाद का काल। इसी तरह दिन में 8 समय संध्याकाल होता है। सूर्य के उत्तरायण जाने के पूर्व और दक्षिणायन में आने के पूर्व भी। इसी प्रकार चंद्र के अस्त होने के पूर्व और अस्त होने के बाद भी संध्याकाल होता है। वर्ष के लोप होने के पूर्व और प्रारंभ होने के पहले भी संध्याकाल होता है। जानिए सूर्यास्त के बाद कौन से 10 कार्य करने से मिलेगी सुख शांति और समृद्धि। 1. देवी देवता का करें वंदन। सूर्यास्त के कुछ समय बाद देवी और देवताओं की आरती उतारें या उनका वंदन कर पूजा करें। 2. दीपक जलाएं। पूजा स्थान और तुलसी पौधे के समक्ष दीप प्रज्वलित करें। 3. मौन रहें। इस काल में तब तक मौन रहे जब तक की दिन अस्त न हो जाए। 4. देहरी पूजा करें। इस काल में घर की देहरी की पूजा करें। 5. कुछ लेकर आए। यदि आप संध्याकाल यानी सूर्यास्त के बाद घर लौट रहे हैं तो बच्चों के लिए या घर के लिए कुछ न कुछ खरीद कर जरूर लाएं। 6. बिस्तर छोड़ दें। यदि आप दोपहर में सो रहे हैं तो सूर्यास्त के समय बिस्तर छोड़कर उठ जाएं और हाथ मुंह धोकर अपने इष्ट देव को नमस्कार करें। 7. सूर्य देव को करें प्रणाम। यदि आपके घर से सूर्यास्त होता हुआ नजर आए या सूर्यास्त के बाद आसमान में लालिमा या संध्याकाल नजर आते तो उसे प्रणाम करें। 8. पूर्वजों को भी करें प्रणाम। आपके घर में यदि पूर्वजों की तस्वीर लगी हो तो उन्हें भी प्रणाम करें। 9. भजन सुने। इस काल में आप अपने घर में अपने इष्ट देव के भजन सुने। मोबाइल या टेप रिकॉर्डर पर भजन लगा लें। 10. प्रकाश और सुगंध फैलाएं। सूर्यास्त के कुछ समय बाद घर की लाइट लगाकर हाथ जोड़े और इसके बाद अगरबत्ती या धूप बत्ती की सुगंध घर में फैलाएं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को छोटा सा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा लें। धन्यवाद।